नमस्कार, हमने क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के मरीजों की समस्या के बारे में, इस बीमारी की कुछ बुनियादी जानकारी के बारे में और इसके निदान और इलाज के प्लानिंग के लिए ज़रूरी जांच के बारे में चर्चा हमारे पहले वीडियो में ऑलरेडी की हुई है और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के इलाज के विकल्पों के बारे में। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है पेट दर्द से मुक्ति, शरीर का पोषण बनाए रखना, बीमारी को आगे बढ़ने से रोकना, कॉम्प्लिकेशन होने से रोकना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाए रखना। बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अल्कोहल, स्मोकिंग और कुछ दवाइयाँ जो इस बीमारी को बढ़ाती है उनको अवॉइड करना चाहिए। पेट दर्द का सर्वोत्तम नियंत्रण इस बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके लिए पेनकिलर दवाइयाँ जैसे कि NSAIDs, ओपियोइड दवाइयाँ और पेनकिलर इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार पेन कंट्रोल के लिए सीलियाक नर्व ब्लॉक जैसी प्रक्रिया भी की जाती है। चर्बीयुक्त खुराक को अवॉइड करना और पेंक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट्स दवाइयाँ भी पेन को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं, जो शरीर के पोषण को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। पेंक्रियास की नली से रुकावट यानी कि सिकड़न और पथरी दूर करने की प्रक्रिया। जिन मरीजों को पेंक्रियास की नली में रुकावट होती है, सिकड़न होती है और पथरी होती है, उनमें पथरी निकाल के पेंक्रियास के पाचक द्रव्यों का आंत के अंदर प्रवाह वापस बरकरार करना बेहद आवश्यक होता है। बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, पेंक्रियास पे नुकसान रोकने के लिए और कॉम्प्लिकेशंस होने से रोकने के लिए ये जरूरी होता है। ERCP नामक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर या ऑपरेशन के माध्यम से ये किया जाता है। एंडोस्कोपिक प्रक्रिया ERCP, इस प्रक्रिया में एंडोस्कोप को आपके मुंह से होते हुए आंत के उस हिस्से तक ले जाया जाता है जहाँ पे पेंक्रियास की नली खुलती हो। उसके बाद में नली के मुख से एक गाइड वायर को नली के अंदर पसार किया जाता है। इसी गाइड वायर के ऊपर एक डायलेटर को भी नली के अंदर डाला जाता है, जिसकी मदद से नली का सिकड़ा हुआ हिस्सा चौड़ा किया जाए। इसके बाद में बलून कैथेटर की मदद से नली में से स्टोन को निकाला जाता है। कुछ मरीजों में ERCP से पहले पथरी यानी कि स्टोन को तोड़ने के लिए ESWL यानी कि एक्सटर्नल शॉकवेव थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। आखिरकार पेंक्रियास की नली के अंदर एक स्टेंट रखा जाता है जिसको कई बार बदलने की जरूरत पड़ती है। सही से चुने हुए मरीजों में जिनकी पेंक्रियास की नली में कम मात्रा में स्टोन हो और कम जगहों पे सिकड़न हो, वैसे मरीजों के लिए ERCP सही इलाज का विकल्प है। जिन मरीजों में ERCP से फायदा हो जाता है उनको ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। आज के समय में ERCP एक स्टैंडर्ड और सर्वस्वीकृत प्रक्रिया है जिससे कई मरीजों को फायदे मिलते हैं, पर हमें यह समझना होगा कि ऑपरेशन न होते हुए भी ERCP यानी कि इस एंडोस्कोपिक प्रक्रिया के अपने खुद के जोखिम है, खासकर अगर उसको बार बार दोहराने की जरूरत पड़ती है। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस और पेंक्रियास की पथरी के लिए सर्जरी। दर्द और एक खराब क्वालिटी ऑफ लाइफ से परेशान क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के मरीजों के लिए सर्जरी आखिरी उम्मीद और विकल्प है। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के कौन से मरीजों को ऑपरेशन का विकल्प चुनना चाहिए? वो सारे क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के मरीज जिनको बार बार दर्द उठता है और जिनको लगातार पेनकिलर दवाइयाँ लेनी पड़ती है और जिनकी पेंक्रियास की नली चौड़ी हुई है और पथरियों से भरी हुई है, उनके लिए सर्जरी का विकल्प श्रेष्ठ विकल्प है। वैसे मरीज जिनको क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस की बीमारी काफ़ी बढ़ गई है, एडवांस्ड क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस हो, जिनको क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के कॉम्प्लिकेशन जैसे कि जॉन्डिस, सिडोसिस्ट और स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस हो, उनके लिए भी ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर विकल्प है। वो सारे मरीज जिन्होंने
क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के इलाज के लिए ईआरसीपी और स्टेंटिंग करवाया है और उसके बावजूद उनको बार बार दर्द उठता है, उनको भी दर्द से राहत के लिए और एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ऑपरेशन के विकल्प को चुनना चाहिए। वो मरीज जिन्होंने कई बार एंडोस्कोपिक स्टेंटिंग करवाया हो और जिन्हें अभी भी कई बार स्टेंट एक्सचेंज की जरूरत हो, उनको एक बार ऑपरेशन करवा के इस समस्या से पीछा छुड़ाना चाहिए। ऑपरेशन की कुछ बुनियादी जानकारी। ऑपरेशन में क्या करना है वो इस चीज पे निर्भर रहता है कि बीमारी कितनी बड़ी हुई है और कौन से कॉम्प्लिकेशन साथ में जुड़े हुए हैं, पर ज्यादातर मरीजों के लिए ऑपरेशन के अंदर पैंक्रियास की पूरी नली को खोला जाता है, सारी पथरियों को निकाला जाता है, पैंक्रियास के हेड के हिस्से में से एक छोटे से टुकड़े को निकाला जाता है और पूरी खुली हुई पैंक्रियास की नली को आंत के साथ जोड़ा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को फ्रेश प्रोसीजर या फ्रेश ऑपरेशन कहा जाता है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के इलाज और ऑपरेशन के इतिहास पे से हमें ये सीख मिलती है कि आगे बताई प्रक्रिया में अगर हम कोई भी कमी रखते हैं तो दर्द में संपूर्ण राहत नहीं मिलती है। यानी कि ऑपरेशन के दौरान अगर पैंक्रियास के टेल के हिस्से की नली को न खोला जाए या पैंक्रियास के हेड के हिस्से से एक टुकड़े को न निकाला जाए या पैंक्रियास की नली की साइड ब्रांचेस से पथरी को न निकाला जाए तो परिणाम बेहतर नहीं मिलते हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये स्थिति में पैंक्रियास के उस हिस्से में से पाचक द्रव्यों का प्रवाह रुक जाता है और वहां पे सूजन बना रहता है और दर्द भी बना रहता है, और यही वजह है कि ईआरसीपी के बाद में हमें बार बार स्टेंट बदलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ईआरसीपी के बाद पैंक्रियास के डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि पाचक द्रव्यों का प्रवाह बनाए रखने का काम सिर्फ 10 फ्रेंच यानी कि एक रिफिल की साइज के स्टैंड पर निर्भर रहता है, जो कि आसानी से और तेजी से ब्लॉक हो जाता है। जबकि ऑपरेशन के बाद में पूरी पैंक्रियास की नली को खोलकर आंतों के साथ जोड़ा गया होता है, ये नया रास्ता काफी चौड़ा होता है जिसके ब्लॉक होने की और फिर से पथरी बनने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है अगर ऑपरेशन पूरी बारीकी से किया गया हो। सर्जरी के परिणाम। हालांकि ये एक काफी बड़ी और जटिल सर्जरी है, पर उचित जांच, तैयारी और पूरी सावधानी के साथ किया जाए तो काफी कम जोखिम के साथ उत्कृष्ट परिणाम मिलते हैं। दर्द बिना का जीवन, शारीरिक पोषण और उच्च स्तर का जीवन। इलाज के विकल्प को चुनने के लिए हमें प्रक्रिया के सक्सेस रेट, उसमें रहे जोखिम और अच्छे रिजल्ट को बनाए रखने के लिए प्रक्रिया को दोहराने की जरूरत, ये सारी चीजों को ध्यान में लेना चाहिए। कॉकरेन स्टडी, जो विश्व भर की सारी स्टडी का संकलन करती है, उनके अनुसार एडवांस्ड क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के मुकाबले सर्जरी से बेहतर परिणाम मिलते हैं। आपके लिए इलाज का कौन सा विकल्प सबसे उचित है ये जानने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपकी उम्र, आपके दर्द की गंभीरता, संबंधित कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज और पाचक द्रव्यों में भारी कमी है या नहीं, ये सारी चीजें ध्यान में लेके आपके लिए सबसे उचित इलाज का विकल्प सजेस्ट करेंगे। समय पे उचित इलाज से क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस का मरीज पेन फ्री यानी कि दर्द बिना का एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है। मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो से आपको क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के इलाज के विकल्पों के बारे में समझ मिली होगी, जो आपको इलाज के निर्णय में मदद रूप होगा।